नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर 13 फरवरी को संभावित भागलपुर दौरा को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ हर बिंदुओं पर भागलपुर जिला प्रशासन के अधिकारी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपने भागलपुर दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई भवनों का उद्घाटन भी करेंगे, जबकि सीएम के द्वारा स्मार्ट सिटी को बड़ी सौगात मिलने की संभावना बताई जा रही है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने एसएसपी आनंद कुमार, नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर, डीडीसी कुमार अनुराग, एसडीएम धनंजय कुमार और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष के साथ सर्किट हाउस और हवाई अड्डा का निरीक्षण किया। वहीं डीएम ने सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री के संभावित भागलपुर आगमन पर कई भवनों का उद्घाटन कराने की तैयारी जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। इधर सीएम के संभावित आगमन को लेकर कार्यों की बैठकों का दौर भी जारी है। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत आदमपुर चौक के समीप दिन दहाड़े एक महिला से बदमाशों ने आभूषण छीन लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने भाग रहे दो चोरों को खदेड़ कर पकड़ लिया एवं जमकर उनकी धुनाई कर दी, जबकि दो चोर मौके से फरार होने में सफल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर जोगसर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों ने पकड़े गए चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे पुलिस पूछताछ कर महिला से लूटे गए जेवरात का पता लगा रही है। पीड़ित महिला की पहचान पुलिस जिला नवगछा के खरीक थाना क्षेत्र निवासी शमा परवीन के रूप में हुई है। घटना को लेकर महिला ने बताया कि वह 0 माइल से ऑटो पकड़कर स्टेशन जा रही थी, जहां टेम्पो पर सवार 4 अज्ञात युवकों ने आदमपुर चौक के समीप उसका सूटकेस लेकर उसके अंदर से सोने के जेवरात निकाल लिया और सूटकेस छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद महिला ने शोर मचाया, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने पीछा कर दो चोरों को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इधर मामले में महिला शमा परवीन ने थाने में लिखित आवेदन देकर पुलिस से मदद और न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 0 माइल में ऑटो रुकवा कर कहीं चारों चढ़ गया, चलती गाड़ी पे चढ़ करके आराम से बैठ गया। जब मेरा सूटकेस इधर से उधर कर रहा था, बोला कि मैं बोली सूटकेस की हटा रहे, बोल रहा क्या मैं जगह निकाल रही हूँ बैठने के लिए, बोला मैं स्टेशन जाऊंगी। निकाल करके सूटकेस खोल करके जिसमें सोने का सारा सामान था, गले का था एक सोना का, दो अंगूठी सोने का था, एक कान का था, दो नाक का था सोने का। भागलपुर में एक महिला अपने बच्चे को लेकर पिछले 2 माह से पुलिस के आला अधिकारियों के पास चक्कर लगाकर अपने पति और ससुराल वालों के द्वारा उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल देने का आरोप लगा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक उसे न्याय नहीं मिल सका है। दरअसल दिल्ली की रहने वाली बॉबी की शादी 8 साल पहले गोराटी के गट्टी निवासी मिथुन पासवान के साथ हुई थी, जिससे उसे 2 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि 2 माह पूर्व ही मिथुन कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर अपने घर भागलपुर आया, जिसके बाद पत्नी बॉबी भी अपने एक बच्चे को लेकर दिल्ली से पति के घर आ गई, लेकिन यहां पहुंचते ही पति और ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट कर दहेज की मांग शुरू कर दी। वहीं दहेज देने में असमर्थ होने के कारण 27 जनवरी को बॉबी अपनी गुहार लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास भी पहुंची, जहां से उसे गोराडी थाना भेज दिया गया और पुलिस ने उसे पति के घर पहुंचाकर सभी घर वालों को बॉबी के साथ मारपीट नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसके पति और ससुराल वालों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता रहा, जबकि बॉबी के हाथ पैर बांध कर उसकी पिटाई भी करने का आरोप पीड़िता ने लगाया है। वहीं प्रताड़ना से तंग आकर वह किसी तरह अपने घर से भागकर वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची, जहां से उसे पुलिस कर्मियों ने महिला थाने भेज दिया। वहीं अपने पति और ससुराल वालों से तंग आकर महिला मदद की गुहार लगाने कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के पास पहुंची, जिसके बाद विधायक ने वरीय पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर महिला पर हुए अत्याचार के मामले में उचित कार्यवाही की बात कही। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक ने गोराडी थाने को मामला दर्ज कर 24 घंटे के अंदर आरोपी पति को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। इनसे मिली तो ये मेरे को गोराडी भेज दिया, वहाँ से कंप्रेस करके मेरे को वहाँ से घर भेज दिए, कहता मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तू जैसे तेरे को मैं मार मार के रखूँगा और जैसे भी रखूँगा, मैं कब तक रस्सी से हाथ पैर बांध देता, घर में से निकलने भी नहीं देता मेरे को,
मेरे आज कैसे निकले घर से? मैं घर से खाली पन बिहार के बहाने निकली थी, लेटरिन के बहाने में निकली, वहाँ से भागी और दूसरे के घर से साड़ी पहनी थी, मैं नाइटी में थी। कहाँ पर आपको किन से मुलाकात हुई आज फिर से आप यहाँ आए? मैं बाहर में एक लेडीज का घर था, उसी से साड़ी मांगी, मैंने कहा मुझे साड़ी दे दीजिए, मुझे वहाँ जाना थाने, तब मैं उधर से भागी। देखिए ऐसा है कि बिना महिला के तो हम लोग कोई धरती पर नहीं आ सकते, बहुत सम्मानित होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी महिला की बात करते हैं, महिला को सम्मान देने की बात करते हैं, इस तरह से कोई पति पीटता है और रिपोर्ट करती है पुलिस को और कोई कार्रवाई नहीं होती, बड़ा दुखद है। मैंने अभी सीनियर एसपी साहब से बात किया है, उन्होंने कहा उस महिला को मेरे पास भेजिए और हम उम्मीद करते हैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि महिला अगर नहीं इज्जतवान होगी, इज्जत नहीं मिलेगा उसको, फिर हम लोगों को क्या मतलब है? महिला के बिना कोई भी धरती पर नहीं आ सकता, उसको सम्मान देना है, सम्मान सबको देना, नहीं देगा प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। बिहार के बांका में इंटर परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त स्टेटिक मजिस्ट्रेट पंकज जायसवाल पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें वे बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। वहीं घटना के बाद जख्मी मजिस्ट्रेट को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल मजिस्ट्रेट पंकज जायसवाल बांका अंतर्गत बाराहाट के हरिहर चौधरी परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त थे। घटना को लेकर पंकज जायसवाल ने बताया कि दूसरी पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद सभी पुलिस और अधिकांश शिक्षक केंद्र से जा चुके थे, तभी स्कूल के एक कर्मी ने स्कूल के बाहर दर्जन भर से अधिक युवकों के लाठी डंडे के साथ मौजूद होने की सूचना दी, जिसके बाद वो बाहर गए और इस घटना का शिकार हो गए। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं BMP 1 में जब नौकरी करता हूं और मैं ये डायबिटीज बीमारी से एक साल से बहुत परेशान था, तो मैंने पेपर्स में देखा, पेपर में सुना रहा डायबिटीज का इलाज होता है, तो हम यहां पर आए तो मेरा उससे पहले 300 से ऊपर था, तो यहां आकर के डॉक्टर इसे इलाज कराए तो एक हफ्ता के बाद में मेरा BP घट करके 120 में आ गया, तो अभी बहुत उस समय में हमको बहुत मतलब तकलीफ होता था, महसूस होता था शरीर में, मतलब सुस्तपन चक्कर जैसा लगता था, लेकिन अब ये दवाई खाने के बाद हमको बहुत शरीर में ताकत आ रहा है, मतलब फुर्ती भी आ रहा है, ताकत आ रहा है, कोई बीमारी जैसे नहीं है, तो अभी हमको एकदम बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, इसीलिए हमको ये दवा से हमको मतलब कि बिल्कुल एकदम हमको शरीर में एकदम स्वस्थ महसूस हो रहा है और BP मेरा कंट्रोल, अब मेरा शुगर भी कंट्रोल में है और मेरा BP भी एकदम अभी फिलहाल कंट्रोल में है। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सह प्रदेश महामंत्री डॉक्टर संजीव चौरसिया के द्वारा 2023 बजट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें विधायक ने बजट पर बिहार को मिलने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 का बजट पेश किया गया था, जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों को टैक्स में बड़ी रियायत दी गई है, जबकि 7 लाख से कम कमाई वाले मध्यम वर्गीय लोगों को टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि बिहार को कृषि, युवा, महिला, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योजना का लाभ देने की घोषणा की गई है। वहीं इस बजट में मूलभूत सुविधाओं पर विशेष कार्य करने की योजना के साथ आधुनिकीकरण को लेकर रेलवे द्वारा भी बिहार को अच्छी सौगात मिलने की बात विधायक ने कही है। संजीव चौरसिया ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन के तहत बिहार के 17 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष अभय वर्मन और नभय चौधरी के अलावा कई नेता मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के दृष्टि से इस बजट की अपनी भूमिका है। 10 लाख करोड़ के ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए जो बजट का प्रावधान अलग अलग प्रकार से किया गया है, उसके अंतर्गत लाभ जो निश्चित तौर पर सड़क के माध्यम से, हवाई अड्डा के माध्यम से, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, मेडिकल फैसिलिटी के माध्यम से और विशेष करके जितने मेडिकल हॉस्पिटल हैं सभी में, नर्सिंग होम से लेकर सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इस बजट का महत्ता है। उसके उपरांत इससे रोजगार का भी सृजन का आयाम निकल कर आएगा और साथ ही साथ बहुत सारे विकास के कार्य जो गति है इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ने का काम होगा।
यह सौभाग्य है हम लोगों का कि G20 के माध्यम से आज जिस प्रकार से भारत की महत्ता बढ़ी है कि अध्यक्षता करने का सौभाग्य माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम के आयाम भी G20 के माध्यम से इस भारत के अंतर्गत होने वाला है। लगभग 200 शहरों में अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम के आयोजन होंगे। पुलिस कर्मियों द्वारा आपने हर चौक चौराहे पर यातायात नियमों का पालन कराते जरूर देखा होगा, जहां पुलिस कर्मी बिना हेलमेट के चलने वालों पर चालान काटते हुए ट्रिपल लोडिंग चलने वालों पर भी चालान काटते हैं। लेकिन भागलपुर के कचहरी चौक के समीप एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला। समाहरणालय मुख्य द्वार पर एक मोटरसाइकिल पर 7 लोग सवार होकर यात्रा करते दिखे, जिसमें 5 बच्चे और एक दंपत्ति मोटरसाइकिल पर सवार थे। बता दें कि इस चौक पर हमेशा पुरुष और महिला पुलिस की तैनाती रहती है, लेकिन सभी पुलिस और आम लोग एक मोटरसाइकिल पर 7 सवारी देखकर हैरान रह गए। दरअसल यह मामला 2 दिन पूर्व का है, जहाँ मोटरसाइकिल चालक से जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे अपने 5 बच्चों का आधार कार्ड बनवाने आए हैं। हालांकि इस मामले को देखकर बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब ट्रिपल लोडिंग या बिना हेलमेट वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाता है तो ऐसे में किसी को भी कानून के उल्लंघन की खुली छूट पुलिस द्वारा कैसे दी जा सकती है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत गोनू धाम में माघी पूर्णिमा मेला के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता में दिल्ली, गोराटी, मोहनपुर और गोसाई दासपुर के पहलवानों का दबदबा रहा। वहीं मंगलवार को दंगल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें करीब 200 जोड़े पहलवान ने अपना दमखम दिखाया। इस दौरान दंगल के अंतिम दिन यूपी गोरखपुर से आए पहलवान ने अपनी कुश्ती से दर्शकों का दिल जीत लिया, जबकि कुश्ती समापन के साथ ही दिल्ली के पहलवान अनुज को प्रथम पुरस्कार, गोसाई दासपुर के फोटो पहलवान एवं यूपी के बबलू पहलवान को द्वितीय पुरस्कार और मोहनपुर के गौतम पहलवान को तृतीय पुरस्कार दिया। इधर दंगल के बाद मुख्य अतिथि धोरैया विधायक भूदेव चौधरी, समाजसेवी ललन यादव उर्फ लड्डू यादव, समाजसेवी विजय कुमार, जिला परिषद सदस्य शिव कुमार और गोराहटी BDO ने सभी खिलाड़ियों की सराहना करते हुए बधाई दी। मौके पर सनहौली पंचायत के मुखिया समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।